केशव पांडे जी आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, आज की पांच प्रमुख सुर्खियों के ऊपर नजर डालेंगे। आज पांच खबर जो प्रमुख है उसमें कोरोना को लेकर भास्कर ने एक पॉजिटिव खबर बनाई है। उन्होंने लिखा है कि कोरोना के पॉजिटिव असर ये हुआ है कि पहली व दूसरी लहर की भयावहता ने जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया है। इससे वेंटिलेटर चार गुना अधिक बढ़ गए हैं, सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम अस्पताल से लैस हो गए हैं, बच्चों के आईसीयू में भी इजाफा हुआ है जी। और विधायक प्रवीण पाठक ने कमला राजा हॉस्पिटल में एसी ठीक न होने से परेशान काफी दिनों से मरीजों के लिए खुद स्वयं के पैसे से ठीक कराए हैं उन्होंने एसी। और तीसरी लहर से लड़ने में कमी नहीं आएगी ऑक्सीजन की, ये सरकारी अस्पतालों में जो ऑक्सीजन प्लांट लग गए हैं इसको लेकर खबर बनाई है। संक्रमण की दो लहरों में चार वेरिएंट सक्रिय रहे ये बताया गया है। अल्फा और बीटा से घातक डेल्टा को पत्रिका ने एक बड़ी खबर बना के बताया है। संक्रमण में सभी लोग डिस्चार्ज हो गए हैं और मौत भी शून्य रही है, ये एक अच्छी खबर है। 11,382 वैक्सीन लगाई गई है। योग दिवस पर जो टीके लगाए गए थे उन विजेताओं को लकी ड्रॉ निकाल के पुरस्कार दिए गए हैं। मुरना में एक खबर आई है कि वहां की एक पुलिस चौकी बरघान में दो बंदूक और 150 कारतूस चोरी गए हैं, जो चिंताजनक बात है। आरक्षक नीरज गुर्जर पर शक जताया जा रहा है, पुलिस के लोग उसकी जांच कर रहे हैं। ग्वालियर दतिया भिंड मार्ग पर मुरना में बड़े पैमाने पर अवैध खनन को लेकर डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर चिंता जताई है कि यदि ये नहीं रोका गया तो एक साल में सिंध नदी जो यहाँ की प्रमुख नदी है वो बंद हो जाएगी, सिंध नदी दिखेगी नहीं। जीवाजी विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मानव विकास संसाधन मंत्री रमेश पोखरीवाल को पत्र लिखा है। सीएम शिवराज सिंह से भी इस बारे में उन्होंने भोपाल विजिट पे चर्चा की है कि प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी में खोला जाए। मंत्री प्रदीप सिंह तोमर ने आज एक नया प्रयोग किया और वो एक मोहल्ले में जहां 50 घरों में बिजली चली गई थी फॉल्ट के कारण, खटिया बिछा के सो गए और खटिया पर बैठे बैठे और सोते हुए उन्होंने सब अधिकारियों से अपने सामने बिजली ठीक कराई। इसको फोटो लगा के ग्वालियर के अखबारों ने भास्कर ने बहुत तरजीह दी है तो छापा गया है। इसके अलावा डबरा में सरकारी जमीन में शराब की 100 ड्रम जो नीचे दबा दिए थे वो जब्त किए गए हैं, इस खबर को भी प्रमुखता दी गई है। इसके अलावा एक सबसे अच्छी खबर ये है जो बहुत अनुकरणीय खबर है कि दया भावना फाउंडेशन द्वारा जैन मुनि अविचल महाराज की पहल पर सोनागिरी ये ग्वालियर के पास में है दतिया में, वहाँ एक बड़ा पशु चिकित्सालय बनाया गया है जो हादसे में घायल जो गाय गोवंश हैं उनका उपचार करेगी। ये बहुत अच्छी बात है, अगर सभी धर्म के लोग इस तरह के अस्पताल और इस तरह के स्कूल कॉलेज बनाए तो निश्चित रूप से समाज का भला हो सकता है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संघ 25 और 26 जून को देश भर में मनाएगा काला दिवस। इस दिन भारतीय लोकतंत्र की हत्या कर इमरजेंसी लगाई गई थी। ये प्रमुख खबरें ग्वालियर और चंबल संभाग की आज अखबारों में छाया हुई है। बिल्कुल।